Hello students and welcome back to BankExamsToday.com. My name is Ramandeep Singh. Students, yesterday Union Bank of India Credit Officer exam held, and today we are going to discuss the questions asked. So, ज़्यादातर questions जो थे, वो आए RBI guidelines and then ratio analysis, and then the government schemes. Expected ही nothing unexpected. ज़्यादातर questions priority sector lending right? So, my name is Ramandeep Singh, and I've been teaching on bank exams today from last twelve years now. एंड द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लोन मार्जिन इसमें से आया था पी एम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की नोडल एजेंसी कौन है राइट यूडीआई लार्ज एक्सपोजर लिमिट फॉर द गोल्ड लोन राइट स्टैंड अप इंडिया स्कीम कैश फ्लो स्टेटमेंट से काफी क्वेश्चन आए थे बुलेट रीपेमेंट स्कीम जो एंड में पेमेंट करनी होती है लमसम फॉर द लोन प्रायरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन, एमएसएम की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया था जो लास्ट आई गैस रिपीट हो रहा है बार बार स्ट्रीट वेंडर स्कीम पी एम स्वनिधि लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑन आर बी आई गाइडलाइंस ड्राॅइंग पावर में से क्वेश्चन से नुमेरिकल बेस्ड ऑन पेड स्टॉक्स ग्रुप एक्सपोजर नॉम्स राइट लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क में से क्वेश्चन से लोन्स कंपोजिट लोन फॉर एम एस एम ईज गवमेंट स्कीम फॉर दैट एल टी बी फॉर हाउसिंग लोन्स फैक्ट्रिंग में से क्वेश्चन से वर्किंग कैपिटल सम्स में से क्वेश्चन से प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग में से ट्वेंटी क्वेश्चन आई हैव सीन सो माइक्रो फाइनेंस लोन्स पी एम विश्वकर्मा स्कीम पीएम संबंधन स्कीम एंड देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन राइट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम अगर आप पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर या किसी भी क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम की तैयारी करे हो प्लीज नोट दैट इन योर माइंड दैट आर बी आई गाइडलाइंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोड बाय गवर्नमेंट स्कीम्स एंड देन द एफएम केयर टॉपिक्स जिसमें रेशियो एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऐसे कुछ एक टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है राइट सो कट ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट द कट ऑफ फिफ्टी परसेंट वैसे तो नोटिफिकेशन में जनरली दिया ही होता है फिफ्टी परसेंट दैट शुड बी द कट ऑफ राइट सो एक्जैक्टली किसी को भी नहीं पता होता ये राइट एंड इंटरव्यूज के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने नहीं जाते एंड देर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर फॉर द एग्जाम बहुत कम स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं सो इट्स डिफिकल्ट फॉर द यू बी आई टू फिल ऑल द वैकेंसीज उनके लिए डिफिकल्ट होगा सारी की सारी वेकेंसी को फिल करना इसीलिए दट दे आर गोइंट टू डू इज दे आर गोइंट टू सेट अ मिनिमम बेंच मार्क जो बैंक ऑफ इंडिया ने भी करा था हर बैंक करता है right? राइट and that was a pretty short session um, barely three minutes i hope you liked the today's session if there is any doubt in your mind please ask your doubts in the comment section thank you